बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर बायो टीचर। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी, द वर्ड बायोलॉजी, बायोलॉजी हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। वन ऑफ दैम इज बायोस एंड द सेकेंड वन इज लोगोस। ओके, एक वर्ड है हमारे पास बायोस और दूसरा है लोगोस। बायोस का मतलब है लाइफ और लोगोस का मतलब है स्टडी, थॉट और रीजनिंग। ठीक है, तो इस तरह से बायोलॉजी का मतलब हो गया कि स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास ब्रांचेस हैं। ये हमारे पास इस टॉपिक का ओवरव्यू है, जैसा कि हमने पहले भी ये क्लास में स्टडी किया है। नेक्स्ट ब्रांचेस हैं जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्टडी ऑफ एनिमल्स है, बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट है, और माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। माइक्रोबायोलॉजी की फर्दर टाइप्स हैं हमारे पास, जो कि आप देख सकते हैं, मॉर्फोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, सेल बायोलॉजी, दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ओके, सो अगर हम बुक से देखना चाहें तो मॉर्फोलॉजी जो है ये हमारे पास आ जाती है स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कि स्ट्रक्चर और फॉर्म्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, कि उनके क्या स्ट्रक्चर हैं ऑर्गेनिजम्स के, उनकी स्टडी है। एनाटॉमी क्या है, हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी है। हिस्टोलॉजी इज माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। सेल बायोलॉजी में हमारे पास क्या आ जाता है कि स्ट्रक्चर और फंक्शन आ जाते हैं सेल और सेल ऑर्गेनल्स के। और यही ब्रांच किसके साथ डील करती है, स्टडी ऑफ सेल डिवीजन के साथ भी डील करती है। फिजियोलॉजी हमारे पास आ जाती है स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि डिफरेंट पार्ट्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम के, उनके साथ डील करेगी। नेक्स्ट जेनेटिक्स है आपके पास। जेनेटिक्स में क्या है कि स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। ओके, ये हमारे पास जेनेटिक्स है, ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। ओके, एक जनरेशन से हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन में जो हमारे करेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होती हैं, इसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी है, एम्ब्रियोलॉजी में हमारे पास क्या होता है कि हम डिवेलपमेंट को स्टडी करते हैं, जो एम्ब्रियो से न्यू इंडिविजुअल बनता है। ओके, नेक्स्ट टैक्सोनॉमी है। टैक्सोनॉमी हमारे पास आ जाता है कि हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नाम देने हैं, साइंटिफिक नेम उनको देंगे और इनकी क्लासिफिकेशन करेंगे डिफरेंट ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में। पैलेंटोलॉजी है, जो कि स्टडी ऑफ फॉसिल्स है, और जो हमारे पास एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके जो फॉसिल्स रह जाते हैं उनकी स्टडी हम करते हैं इस ब्रांच में। नेक्स्ट इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है, जो कि स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिजम्स कैसे रहते हैं, उनके क्या इंट्रैक्शन हैं, ये सब इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में आ जाएगा। नेक्स्ट सोशियो बायोलॉजी है, स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल दैट मेक सोसाइटीज। डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं हमारे इन्वायरमेंट में, ये सिर्फ एनिमल्स की बात नहीं हो रही, हम ह्यूमन बींग्स को भी एज अ एनिमल ही लेते हैं। मैन इज़ अ सोशल एनिमल। ओके, तो हम इंसान भी सोसाइटीज़ बनाते हैं। ठीक है, जहाँ पे रहते हैं तो सोसाइटीज़ बनती हैं, ये बेसिकली सोशल बायोलॉजी हम सब के लिए है।